उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महिला द्वारा कैब चालक की थप्पड़ों द्वारा पिटाई की गूंज अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि उत्तर प्रदेश के एक और जिले से एक महिला द्वारा एक युवक की चप्पलों से पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। ये महिला एक शिक्षा मित्र है और कॉलेज के परिसर के अंदर ही एक शिक्षक की चप्पलों से जमकर पिटाई कर रही है। ये महिला काफ़ी गुस्से में है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये शिक्षा मित्र है और पिटने वाला भी शिक्षा मित्र है, लिहाजा मामला बड़ा हो जाता है। ये पूरा मामला इटवा खुनियान ब्लॉक क्षेत्र के धोबहा गांव के टोला अगदी गीह प्राथमिक विद्यालय का है। यहां पर शिक्षक की पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल हुआ तो खलबली मच गई। पता चला है कि शिक्षक की पिटाई करने वाली उसी विद्यालय में शिक्षा मित्र है। उसकी पिटाई क्यों की गई अभी ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि मामला सिद्धार्थ नगर का है और सिद्धार्थ नगर से बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री खुद आते हैं। ये मामला उनके गृह ब्लॉक खुनी गांव से जुड़ा हुआ है। मंत्री ने मामले का संज्ञान लिया, जिसके बाद बीएसए ने बीईओ को मामले के जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत इस शिक्षक की बातचीत से महिला शिक्षा मित्र नाराज हो गई। उसके बाद महिला शिक्षा मित्र को गुस्सा आ गया, जिसके चलते महिला शिक्षा मित्र पूनम ने प्रधानाध्यापक मनोज कुमार की पिटाई कर दी। इसका किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो वायरल हो गया। वही प्रधानाध्यापक का कहना है कि सहायक अध्यापक तेजपाल की साजिश से मारपीट की स्थिति बनी है। ये मामला एक सप्ताह पूर्व का है और बताया जा रहा है कि मारपीट की जानकारी गांव वालों ने प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद द्विवेदी को दी है। इसके बाद मंत्री ने इस पूरे मामले पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए उच्च अधिकारियों से जांच कर कार्रवाई के लिए कहा है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, शिक्षा मित्र और दोनों शिक्षकों की क्रियाकलाप की भी जांच की जाएगी। इस मामले में बीएसए को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। थाना अध्यक्ष मिश्रौलिया पंकज पांडे का भी कहना है कि मामले की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर गई थी, लेकिन किसी ने कोई तहरीर नहीं दी। बस ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महिला हाथ में चप्पल लेकर लगातार प्रधानाध्यापक की पिटाई कर रही है।